जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विथ अनुसुईया। तो चलिए आज बनाते हैं पानी फल सिंघाड़ा से नवरात्रि के लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अभी ये मिलता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच। सिंघाड़ा फ्राई बनाने के लिए हमने 500 ग्राम सिंघाड़ा लिए हैं जिसे हम अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। और अब हम इसके छिलके को उतारेंगे। तो ये देखिए कांटा की तरह होता है, इससे पहले हम कट करेंगे और इसे साइड से हल्के हाथों से कटते हुए सारे छिलके को हम उतार लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। इस तरह से आप सारे सिंघाड़े के छिलके को उतार लें। और अब हम इन्हें नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो एक सिंघाड़ा हम लेंगे और इन्हें हम 3 से 4 पार्ट में पीसेस में कर लेंगे। इस तरह से काट लें, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और अभी अक्टूबर नवंबर के महीनों में ही आता है तो इसे आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से आप सिंघाड़े को पतले पतले टुकड़ों में काट लें। और ये देखिए हमने सारे सिंघाड़े को अच्छी तरह से हम काट कर तैयार कर लिए हैं। और चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। सिंघाड़े को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और अब हम इसमें 1 टीस्पून सरसों तेल ले रहे हैं। आपके पास जो भी तेल घर में अवेलेबल हो उसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे घी यूज करें, ये फास्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून सरसों तेल लिए हैं। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा भी को हम क्रैकल होने देते हैं। जीरा क्रैकल हो गया है, अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची स्लाइस करके डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम सिंघाड़ा काट के रखे हुए थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक्स होता है। तो एक बार आप इस सीजन में इस सिंघाड़े को ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें हम ढक कर 3 से 4 मिनट पर तक लो फ्लेम पे ही इन्हें हम पकने देंगे। तो इन्हें हम कवर कर देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इन्हें हम फिर से एक बार ओपन करके देखेंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद एक बार हम फिर से इन्हें मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सेंधा नमक यूज करें। तो यहाँ पे हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम मसाले में ही बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो अब हम हल्दी नमक डालकर एक बार फिर से हम मिक्स कर देंगे और इन्हें हम ढक कर फिर से हम लो फ्लेम पे ही छोड़ देंगे। फिर से इन्हें आप कवर कर दें इस तरह से फैलाकर और फिर से इन्हें हम 4 से 5 मिनट तक ढक कर पकने देंगे। और हमारा ये 5 मिनट भी कम्प्लीट हो गया है और फिर से हम ओपन करेंगे। ये लगभग ये सिंघाड़ा फ्राई तैयार हो गया है। एक बार फिर से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे लास्ट में 1 टीस्पून पेपर पाउडर। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 टीस्पून पेपर पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पे कटी हुई हरी धनिया, दोनों हम सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे। और ये हमारा सिंघाड़ा फ्राई बनके तैयार हो गया है और ये इवनिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स होता है। तो एक बार आप मेरे तरीके से सिंघाड़ा फ्राई बनाकर देखिएगा, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा।
और फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।